Hey, hi guys. Good morning to everybody. Guys, क्या मैं आपको audible और visible हूँ? क्या आप मुझे देख और सुन सकते हैं? Guys, आपको सबसे पहले ना इस वीडियो को लाइक करना है, फिर इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है. ये दो तीन चीजें आप जल्दी से कर लीजिए सो दैट वी कैन गो अहेड विद द क्लास. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. चलो जल्दी बता दीजिए क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको आपने इस वीडियो को लाइक किया है, आपने इस वीडियो को शेयर किया है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? ये बातें बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए सो दैट आई कैन गो अहेड. आई नीड आंसर फ्रॉम दी लाइव चैट. आपकी लाइव चैट में मुझे आपका आंसर चाहिए. चलो बोलो, जल्दी बोलो. मेरे मोबाइल से तो यू गाइज आर ऑडिबल. जस्ट वॉन्ट टू एंश्योर कि आपको क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूं? आई गेस यस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी. तो चलिए हम हमारा क्लास स्टार्ट करते. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी गाइस. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट यू विल गेट लाइव क्लासेस. दीज लाइव क्लासेस आर अवेलेबल ऑन द प्लस. यू विल ऑल्सो गेट वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस. सो दीज आर द फोर बेनिफिट दैट यू विल गेट ऑन प्लस. वेन यू आर गोइंग ऑन आईकॉनिक यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटीरियल एंड स्टडी प्लानर. तो ये पांच ऐसे टोटल आपको कितने बेनिफिट मिल जाएंगे, यहाँ पे 9 बेनिफिट मिलेंगे. दीज आर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु विल हेल्प यू टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. आई एम ऑलरेडी वन ऑफ देम गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. यू शुड सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल. यू शुड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड डेडिकेट योर हैट्स टू मी ऑन अनअकैडमी एंड दैट इज मस्ट. बिना भूले आपको ये काम करना है. देन गाइज, आज ये लास्ट डे है 26 मई. तो आपको 26 मई से पहले, मतलब आज का दिन खत्म होने से पहले, अगर आपको 35% डिस्काउंट चाहिए तो आपको SKUS कोड यूज करना पड़ेगा एक, और दूसरा आपको GS का प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक का प्लस कॉम्बो लेना, आइकॉनिक का कॉम्बो लेना पड़ेगा या प्लस का कॉम्बो लेना पड़ेगा. इसी पे 35% डिस्काउंट अप्लीकेबल है 26 मई से पहले, मतलब आज लास्ट डेट है. प्लस पे आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 या 36 मंथ. अगर आप ये कोड यूज कर लो SKUS, तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. देन अगर आप आइकॉनिक पे जाओगे तो आपको 12, 24 और 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं. वहां पे भी अगर आपने कोड यूज कर लिया SKUS, तो वहां भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ये अलग अलग डिस्काउंट्स जो आपको मिलने की हम बात कर रहे हैं. देन गाइज, 26 मई, मतलब आज से ही हम ये फिनिक्स रिविजन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी हमने लॉन्च किया है. गुरुकुल प्लस रिविजन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 21. देन ये 1 ईयर के बैचेस भी हमने यूपीएससी के लिए लॉन्च किए हैं. 2 ईयर के बैच कोर्सेस है और एनसीईआरटी बैच फॉर यूपीएससी सीएससी भी हमने लॉन्च किए. ये सारी बैचेस एक तो आपको मिलती है प्लस पे या फिर मिलती है आइकॉनिक पे. प्लस और आइकॉनिक पे जब आप जाओगे ना, तो आपको SKUS कोड की हेल्प से बहुत बड़े बड़े बेनिफिट मिल जाएंगे. पर्टिकुलरली 10% डिस्काउंट वाला बेनिफिट आपको SKUS वायरल कोड ऑफ सक्सेस दे देगा. ठीक है गाइज, आप बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लाइव चैट में किसी के भी कमेंट नहीं दिख रही है. व्हाट इज द इशू, व्हाट इज इशू? देन गाइज, अगर हम फ्री टेस्ट सीरीज की बात करें तो एवरीडे 8 AM इन द मॉर्निंग, रोज मॉर्निंग में 8 AM को और इवनिंग में 4 PM को, मैं अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज रन कर रहा हूँ. फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, तो आपको ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करनी है लाइव. हाँ, वो भी कैसे अटेंड करनी है, लाइव. ठीक है, नो 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 नो, 2 PM का सेशन मैंने वो स्ट्रीमिंग स्टॉप कर दी. 2 PM की, 2 PM के सेशन की स्ट्रीमिंग मैंने स्टॉप कर दी है. ठीक है, दोनों एक साथ स्ट्रीम नहीं हो सकते. कॉर्प्स, अभी मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूं, बफरिंग का इशू नहीं है. इफ सो आई शुड गो अहेड. कॉर्प्स, फाइन. देन गाइज, अनअकैडमी कॉम्बैट की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे को होती है. एवरी संडे 11 AM को अनअकैडमी कॉम्बैट होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है.
ओके जस्ट अ मिनट गॉड्स लेट मी चेक That is a glitch. वो glitch resolve हो जाएगा अपने आप से. चलिए आप मुझे पढ़ाने पे ध्यान देने दीजिए. अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इस पे focus करें हम. Should we focus on this? That is more important. चलिए तो अगर आपकी रैंक 1-3 आती है तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी. रैंक 4-10 75%, 11-50 50%, 51-500 25% आपको क्या मिलेगा ये मिल जाएगा. ओके इस क्लास में बफरिंग हो रही है. इस क्लास में अभी जो मैं क्लास रन कर रहा हूं इसमें आपको बफरिंग मिल रही है क्या? यहां पे बफरिंग नहीं होनी चाहिए यार. यहां पे बफरिंग नहीं होनी चाहिए. एकदम सब कुछ एकदम सही है तो यहां बफरिंग नहीं होनी चाहिए. तो आज हम डिस्कस करने वाले व्हाइट फ्लाई वाला टॉपिक. बफरिंग बिल्कुल नहीं है. आप ध्यान दो आप दूसरे क्लास के बारे में मत सोचो. सो आज हम व्हाइट फ्लाई वाला टॉपिक देखने डिस्कस करने वाले. ठीक है सुनिए. So indigenous bug help tackle invasive pest. अगर suppose guys हम bug use कर रहे हैं, अगर हम bug use कर रहे हैं तो क्या उस bug को अगर हम किसी भी pest को destroy करने के लिए pest को kill करने के लिए अगर हम bug use करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बायो पेस्टिसाइड कहेंगे कि नहीं? उसे हम बायोपेस्टिसाइड कहेंगे. तो देखिए टू टाइप्स ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स आर अमॉन्ग द 3 इंडिजिनस बग्स फाउंड टू बी बायोलॉजिकल वेपन. सो वी कैन यूज लेडी बर्ड बीटल्स. किसे हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज लेडी बर्ड बीटल्स एज बायोलॉजिकल वेपन्स टू किल वूली व्हाइट फ्लाई. तो ये जो वूली व्हाइट फ्लाई है ये फ्रूट फार्मर्स के लिए पेस्ट है. तो पहला पॉइंट व्हाट इज वूली व्हाइट फ्लाई. What is woolly white fly guys? These are the pests for the farmers. These are the pests for the fruit farmers. Okay? Fruit farmers. अरे ये वाला क्लास चल रहा है ना फरमान. आप फरमान वो दूसरे क्लास का दिमाग से निकाल दो. उसे भूल जाओ. ये क्लास ठीक चल रहा है. 11 AM का जो क्लास का लिंक है क्या ये ठीक चल रहा है आपका? मुझे ये बताइए. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स आर अमॉन्ग द 3 इंडिजिनस बग्स फाउंड टू बी बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट अ कैरिबियन ओरिजिन एनिमी इंडियन फ्रूट फार्मर्स द वूली व्हाइट फ्लाई. सो वूली व्हाइट फ्लाई इज अ पेस्ट दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द फ्रूट फार्मर्स इन इंडिया. आगे चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, एक बार हम ICAR की वेबसाइट को भी विजिट करेंगे. ICAR, pests damage 30-35% crops in the country annually. हमारे कंट्री में पेस्ट की वजह से कितना डैमेज होता है? 30-35% क्रॉप का क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है हमारे कंट्री में बिकॉज ऑफ द पेस्ट. तो ये ICAR का डाटा आपको बता रहा है. ICAR. Is it still buffering for on or Shweta? Could anyone of you guys let me know because I'm still facing heavy buffering. Okay, so it is buffering only for the crops. कपिल के लिए बफर नहीं है. तो यह है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च.
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये ICAR आता है। तो ये ICAR ने डाटा हमें दिया है कि दिस ICAR says pests damage 30-35% crops in the country annually, the newest of 118 exotic pests, the woolly white fly, first described from Jamaica in 1896 and noticed in Florida in 1909. तो this woolly white fly is a pest, one by one, woolly white fly is a pest that attacks fruits and it is an exotic pest. ये कैसा pest है? It is an exotic pest. What is the meaning of exotic? Exotic का मतलब होता है that originates in other country. जो दूसरे countries में originate होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Exotic pest कहते हैं, ठीक है? So woolly white fly is an exotic pest. Then in woolly white fly की अगर हम बात करें, it is invasive. मतलब ये attack करता है. Then it is polyphagous. Now what is the meaning of polyphagous? ये एक एक पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ पॉलीफेगस इज वन हु कैन ईट मल्टीपल फूड। नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, आप देख लीजिए, एक अगर इंसेक्ट होगा ना, एक सिंगल अगर इंसेक्ट होगा तो वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर फूड पे ही क्या करता है, सर्वाइव करता है या डिपेंड रहता है। लेकिन वूली व्हाइट फ्लाई क्या है, वूली व्हाइट फ्लाई क्या है, ये आपका पॉलीफेगस है, मीनिंग अ क्रिएचर दैट फीड्स ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। तो उसे एक फूड अवेलेबल नहीं हुआ तो वो दूसरे फूड को ईट कर सकता है, ठीक है। ICAR's National Bureau of Agricultural Insect Resources in Bengaluru in 2019 reported the spread of the pest from Caribbean. Guys, am I audible and visible to everybody? There is no buffering. Please ek bar bata dijiye. The spread of the pest from the Caribbean Iceland through transportation of infested seedlings. Okay, infested seedlings. Fine. Then guys, indigenous bugs help tackle invasive pest की अगर हम बात करें, management of exotic pest is crucial. Management of exotic pest is crucial. Management of exotic pest is crucial. यार गाइज आप लोग बोल रहे हो बफर हो रहा है, कोई बोल रहा है बफर नहीं हो रहा है, क्या इश्यू क्या करना हो रहा है? सिर्फ कपिल को मैं ऑडिबल हूं, प्रभु को ऑडिबल हूं, तिलोत्तमा को ऑडिबल हूं, फरहान, श्वेता एंड कॉर्प्स, आई डोंट नो व्हाई यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, मे बी इश्यू विथ यूर इंटरनेट। So in what would provide relief to fruit farmers, a team of entomologists from the Center for Plant Protection Studies at the Coimbatore-based Tamil Nadu Agriculture University zeroed in on three indigenous bugs. देख लीजिए, हम तीन indigenous bug use कर सकते हैं इस woolly white fly को manage करने के लिए, woolly white fly को kill करने के लिए, okay? Management of exotic pest is crucial for India's farm economy, okay? ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय इकोनॉमिकली वायबल एंड एनवायरमेंटली साउंड मेजर्स। तो नंबर वन, अब तक आपने क्या पढ़ा, वूली व्हाइट फ्लाई, वूली व्हाइट फ्लाई इज अ पेस्ट, वूली व्हाइट फ्लाई इज अ पेस्ट जो फ्रूट पे अटैक करता है, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है फ्रूट फार्मर्स के लिए, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम फॉर फ्रूट फार्मर्स। एंड इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने बायोलॉजिकल वेपन फाइंड आउट किए हैं, मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किए जो इन वूली व्हाइट फ्लाई को अटैक कर सकते हैं और उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस चलिए वूली व्हाइट फ्लाई की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ये वूली व्हाइट फ्लाई के लाइफ की स्टेजेस अगर आप देखोगे, फोर लाइफ स्टेजेस है। पहले एग, एग से बनेगा ग्रब, ग्रब से प्यूपा एंड प्यूपा से अडल्ट, ओके, प्यूपा से अडल्ट। अब देख लीजिए, मैं आपको बता दिखा देता हूं, एग, ग्रब एंड प्यूपा एंड अडल्ट। ये एग, ग्रब, प्यूपा एंड अडल्ट, ये चार स्टेजेस है, ये चार स्टेजेस है वूली व्हाइट फ्लाई की भी, यहां आप देख सकते हो।
ये अलग अलग ये इंसेक्ट की लाइफ में आपको इस तरह की स्टेजेस मिलती है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि एग, एग के बाद ग्रब आता है, ग्रब के बाद प्यूपा आता है और प्यूपा के बाद एडल्ट डेवलप होता है। दीज आर द फोर स्टेजेस। फाइन, फॉर योर प्रिलिम्स बस इतना याद रखना है कि ये इंसेक्ट के लाइफ साइकिल का पार्ट है। एग, ग्रब, प्यूपा एंड एडल्ट, ये किसका पार्ट है? इंसेक्ट के लाइफ साइकिल का पार्ट है। ओके, क्लियर। चलिए आगे। सो लेडी बर्ड बीटल, ये हम यूज करेंगे, इन लेडी बर्ड बीटल को हम यूज करेंगे टू डिस्ट्रॉय वूली व्हाइट फ्लाई। फाइन, सो लेडी बर्ड बीटल क्या है ये? बेसिकली इट इज अ वाइड स्प्रेड फैमिली ऑफ स्मॉल बीटल्स रेंजिंग, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये मेनली आपको मिलती है नॉर्थ अमेरिका में। ये लेडी बर्ड बीटल आपको मेनली मिलती है नॉर्थ अमेरिका में। एंटेमोलॉजिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, entomologists prefer the names ladybird beetles or lady beetles as these insects are not classified as true bugs. Very important guys, ladybird beetle ye true bugs nahi hai ya true insect nahi hai, they are not classified as true bugs. Remember this for your preliminary examination. Then the majority of conciliary species are generally considered useful insect because many species prey on herbivorous homoptenans and aphids or scale insect. So basically ye ladybird beetle jis order ko belong karti hai na, conciliary is order ko belong karti hai, isme bahut sare aise insects aapko milenge. ye insect kis pe survive karte hain? hamare agriculture mein hum jinko pest kehte hain उन पेस्ट के ऊपर ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल पेस्ट। मेनी कॉन्सिलेडीज ले देयर एग्स डायरेक्टली इन अ फीड एंड स्केल इंसेक्ट कॉलोनीज इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर लार्वा लार्वा हैव एन इमीडिएट फूड सोर्स। तो डायरेक्टली एग्स ले करते हैं इन इंसेक्ट्स की बॉडी में या इन इंसेक्ट की कॉलोनीज में ताकि उनके बेबीज को इमीडिएटली फूड मिल जाए। फाइन, लेडी बर्ड बीटल्स, तो ये अफीड्स है, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप लेडी बर्ड बीटल यूज कर सकते हो, विच इज अ बायोलॉजिकल वेपन और बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है। लेडी बर्ड बीटल इज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, लेडी बर्ड बीटल। तो ये लेडी बर्ड बीटल के बारे में हुआ, ये है आपका वूली व्हाइट फ्लाई। तो आप इस वूली व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लेडी बर्ड बीटल यूज करेंगे। लेडी बर्ड बीटल विल बी यूज टू कंट्रोल वुडी व्हाइट फ्लाई जो अटैक करता है फ्रूट्स पे, ठीक है। व्हाइट फ्लाईज आर हेमिप्टेरेंस, ठीक है, इनकी फैमिली है एलियोरोडी, नॉट इंपॉर्टेंट, इनकी स्पीसीज 1550, ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका। अब देखिए मैं क्रक्स में बता रहा हूं शॉर्ट में आपको, वूली व्हाइट फ्लाई को किल कर, विच इज अ पेस्ट, जो एक पेस्ट है, इसे किल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल यूज करेंगे। ओके, और एक पॉइंट याद रखना है, लेडी बर्ड बीटल इज नॉट ट्रू बग, लेडी बर्ड बीटल इज नॉट ट्रू बग। यहां तक क्लियर सभी को? बस इतना ही आपको याद रखना था। अब क्योंकि ICAR मेंशन किया गया था ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो मैं आपको ICAR के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला पॉइंट, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री तो मैंने अभी आपको बता दी, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश की थी 1929 में। तो ICAR was established before independence 1929. क्या आप मुझे बता सकते हो 1929 में इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था? What happened in Indian history in 1929? This is ICAR, ठीक है। चलो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ट्रू बग का, द मीनिंग ऑफ ट्रू बग इज अ रियल इंसेक्ट, bug means insect, a real insect. So ladybird beetle is not a real insect. Yes guys, I asked you some question, chaliye answer kijiye, maine aapko kuch question pucha hai, please aap answer kar dijiye, theek hai, lagta hai aap log nahi karoge, main hi bata deta hu. To ICAR ek autonomous organization hai jo 1929 mein establish hui thi. 1929 ko Indian history mein
लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का एक उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए मांग की थी. ओके चलिए, ICAR ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1929 पूर्ण स्वराज. यस, अरित्रा करक ने सही कहा. हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली. एंड इसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बट यहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस. 1, 2, 3, 4 चारों केस में यहाँ पे होता है. 101 ICAR इंस्टीट्यूट है, 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है विच आर स्प्रेड अक्रॉस होल इंडिया. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम इन द वर्ल्ड. चलिए, ICAR has played a pioneering role in green revolution, आपको पता ही है. उसके बाद हमने देख लीजिए green revolution and subsequent developments in agriculture in India creates research and technology development that has enabled the country to increase the production of food grains by 5.6 times, horticultural crops by 10.5 times, fish by 16.8 times, milk by 10.4 times and eggs by 52.9 times from 5051 to 1718. Last 70 years में हमने इतना ज्यादा production increase किया है. It has played a major role in promoting excellence in higher education in agriculture. तो देखिए, ये हुआ आपका ICAR के बारे में. तो मैं आपको कुछ points बता देता हूँ. ICAR ministry याद रखनी है, उसके बाद year याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, और ये किस में काम करती है, इट इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर, इट इज वर्किंग फॉर द हॉर्टिकल्चर, इट इज वर्किंग फॉर द एनिमल एंड इट इज वर्किंग फॉर द फिशरीज. इन सब के लिए ICAR काम करता है. तो लेडी बर्ड बीटल, वूली व्हाइट फ्लाई एंड ICAR यहां तक हो गया. अब हम एग्जॉटिक या इन्वेसिव स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सुनो, एन इन्वेजिव स्पीसीज इज अ स्पीसीज दैट इज, पहला पॉइंट, इन्वेजिव स्पीसीज आप किसे कहोगे, दैट इज नॉट नेटिव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन. दैट इज नॉट नेटिव मतलब दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड and that has a tendency to spread. Then तीसरा point, spreads fast tendency to spread to a degree believed to cause damage to the environment, human economy or human health. इतनी ज्यादा fast spread होती है कि economy को, environment को और human health तीनों को damage cause कर सकती है. तो अ स्पीसीज विच इज नॉट नेटिव, विच इज इंट्रोड्यूस्ड एंड विच स्प्रेड्स फास्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉटिक स्पीसीज, या उसे हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज. ओके, द टर्म एज मोस्ट ऑफन यूज्ड अप्लाइज टू इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज दैट एडवर्सली अफेक्ट्स, देखिए एडवर्सली मतलब निगेटिवली अफेक्ट्स द हैबिटेट एंड बायो रीजंस दे इन्वेड इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली. अब इन्वेजिव स्पीसीज सिर्फ प्लांट होते हैं क्या, नहीं, एक्सोटिक या इन्वेजिव स्पीसीज कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी अ एनिमल. प्लांट या एनिमल दोनों में से कोई भी हो सकता है एज ए इन्वेजिव स्पीसीज. फाइन, then these includes plant species labeled as exotic pest plants and invasive exotics growing in native plant communities. European Union ki definition dekh lijiye, invasive alien species as those that are firstly outside their natural distribution area and secondly threaten biological diversity. yaad rakhiye, jab ye exotic ya invasive species jab hum kehte hain ki they spread fast, they spread fast, ये जब हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि they will threaten biological diversity, क्योंकि ये एक सिंगल स्पीसीज ही ग्रो करेगी, बाकी किसी को ये ग्रो होने ही नहीं देगी, तो इट विल इंपैक्ट बायोलॉजिकल डायवर्सिटी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के लिए क्या है, प्रॉब्लम है इनवेजिव स्पीसीज. ओके, द टर्म इज ऑल्सो यूज बाय लैंड मैनेजर्स, बोटानिस्ट्स, रिसर्चर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड द पब्लिक फॉर नॉक्शियस वीड्स. मैं आपको यहाँ पे इनवेजिव स्पीसीज बता देता हूं.
टोटल 173 स्पीसीज ऑफ इन्वेजिव एलियन प्लांट्स इन इंडिया. इंडिया में 173 ऐसे प्लांट है जिनको हम इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं. जैसे पहला है अल्टरनाथेरा फिलोक्सीरॉइड्स, ये है आपकी अल्टरनाथेरा फिलोक्सीरॉइड्स, या इन्हीं को आप कहते हो एलिगेटर वीड. कॉमन नेम है इसका एलिगेटर वीड. साइंटिफिक नाम है अल्टरनाथेरा फिलोक्सीरॉइड. एंड ये कहाँ की नेटिव है? नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे, यहाँ की नेटिव स्पीसीज है. ये रही आपकी अल्टरनेटिव एलिगेटर वीड. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिल्म्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज है या कौन कौन सी स्पीसीज एग्जॉटिक स्पीसीज है. तो एलिगेटर वीड, देन कैसिया यूनिफ्लोरा साउथ अमेरिका को नेटिव है, दिस इज इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, एग्जॉटिक स्पीसीज इन इंडिया. देन क्रोमोलाइना ओडोराटा, ओके, ये आपको, ये रहा आपका क्रोमोलाइना ओडोराटा, इट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, ये भी क्या है आपकी इन्वेजिव स्पीसीज है. देन इकॉर्निया क्रैसिपीज, कॉमनली नोन एज वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ भी आपकी इन्वेजिव स्पीसीज है. ये आपको नियरली ईच एंड एवरी इंडियन सिटी में मिलेगी, ईच एंड एवरी इंडियन सिटी यू विल फाइंड दिस स्पीसीज, ओके. चलिए, देन लैंथेना कमारा, ये है लैंथेना कमारा इन्वेजिव स्पीसीज. देन ये हेज प्लांट, दीज आर इन्वेजिव जो हम गार्डनिंग में यूज करते हैं. पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, या ये रहा आपका पार्थिनियम, इसने इतना बड़ा प्रॉब्लम किया है वीड, लार्जेस्ट वीड इन इंडिया, और ये इंडिया में 1972-73 में आई थी विद द वीड दैट वी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, दैट वी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए. इसे हम पार्थिनियम कहते हैं, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, हम हमारे महाराष्ट्र में इसे गांजर गवत कहते हैं. गांजर मीन्स कैरट, इट लुक्स लाइक कैरट प्लांट, सो गांजर गवत, ओके. प्रोसोपिस जूलीफेरा, इस पे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, इट इज अ एग्जॉटिक स्पीसीज, इट इज अ एलियन स्पीसीज, दिस इज प्रोसोपिस जूलीफेरा. इवन यू विल फाइंड दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन सेमी एरिड एरियाज, जहां पे रेनफॉल कम होता है यहाँ पे, वहां पे आपको बहुत मिलेगा प्रोसोपिस जूलीफेरा. इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप्स. अब क्लियर है श्वेता, ठीक है. अब कैरेबियन आइलैंड्स, ये देख लीजिए कैरेबियन आइलैंड, जहां से हम इनको लेकर आए. मुझे बताइए कैरेबियन आइलैंड नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का पार्ट है या साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का? दे आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट. कैरेबियन आइलैंड्स एज वेल एज सेंट्रल अमेरिका, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट. साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में ये नहीं आते. दीज आर डिफरेंट कैरेबियन आइलैंड्स, बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, केमन आइलैंड्स, then Turks and Caicos Island, Puerto Rico, and these are all West Indies. इनको हम सबको मिलकर West Indies कहते हैं, okay? Fine. So this is all about today, guys. आज के लिए 11 AM के क्लास में बस इतना ही. 2 PM के क्लास में और इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं. Before you leave this class, you need to remember few things. और वो few things कौन सी है? सबसे पहले आपको याद रखना है वायरल कोड ऑफ सक्सेस, जिसे हम कहते हैं SKUS. SKUS क्या है? वायरल कोड ऑफ सक्सेस, जो आपको अनअकैडमी पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने में हेल्प आउट करेगा. देन आपको अगर क्लास की नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको क्लास की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी. आपको इस अनअकैडमी प्रोफाइल को मेरे फॉलो करना पड़ेगा, आपको मुझे अनअकैडमी पे हैट्स डेडिकेट करनी पड़ेगी, और आप लोग रोज मुझे ज्वाइन करोगे मॉर्निंग में शार्प 8 AM को और इवनिंग में शार्प 4 PM को. और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, अब इसके बाद हमारा क्लास होने वाला है 2 PM को, वो क्लास होगा यूट्यूब पे, और वो क्लास आपको मिस नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं आगाज का सेशन, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है. चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन गाइस. बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, थैंक यू वेरी मच, सी यू एट 2.